हम आ पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के अंदर। यहां पर चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी पार्टी अपने अपने चुनावी माहौल में। आप देख रहे हैं कि हर जगह जहां पर देखें वहीं पर चुनावी माहौल नज़र आता है। यहां पर आज रामहित जी यादव जी के द्वारा बीजेपी का पर्चा भरा जा रहा है। यहां पर आप तमाम देख सकते हैं, जितनी भी पब्लिक खड़ी हुई है यहाँ पर रामहित यादव जी के इंतजार में खड़ी है यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पर देखो केला रख रखी है इन्होंने। यहाँ पर केलाओं के द्वारा यहाँ पर तोला जाएगा। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। Thank you.
बढ़िया वोटों से जीतेंगे आराम से फर्स्ट क्लास। और मांग भी है ERCP की पुल बनना है, जो हरसोली में खैरतल में जो पुल बनना है, सबकी उम्मीद है सारा काम करेगा और बढ़िया तरीके से वोट, हाँ, और बढ़िया तरीके से बढ़िया वोटों से जीतेगा ये फर्स्ट क्लास। तो आप अब की बार रामेश जी के साथ हो? हाँ, बिल्कुल। आपके गांव से रामेश जी को कितने वोट मिलेंगे? वोट अधिक से अधिक वोट जीत के जाएगा हमारे गांव से। मतलब आपके गांव का बूथ अब की बार आप जिता दोगे रामेश यादव जी को? 70% वोट मांग, चलो रामेश यादव के पक्ष में जाएंगे, कमल का फूल खिलेगा। बाबा आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे आपके रामेश के वोट हैं, कम से कम 80% वोट रामेश के जाएंगे हमारे बूथ से, 99 नंबर बूथ। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव कौशलपुर है, कौशल गांव के सब जी जान से लगे हुए हैं, रामेश का वोट देंगे। फूल पर कहना चाहता हूं कि ये जो 51 किलो की माला है, ये एक फूलों की माला नहीं है, ये हमारी भारत माता के लिए माला है, जिससे रामेश जी का स्वागत किया जा रहा है। जब हम आपस में चाहे कुछ भी करें, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी तो राष्ट्र सर्वोपरि है। अखंड भारत के लिए हम बलिदान देंगे और हम विधानसभा का नज़ारा बदलेगा। गहलोत सरकार जाएगी और गहलोत सरकार कांग्रेस में ही विभाजन होगा, सचिन पायलट अलग जाएगा और गहलोत अलग जाएगा। अगर भारत माता सबकी एक है तो इसलिए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गहलोत ने? बीजेपी जिंदाबाद।